जी 600 दूंगा, दो में आप अच्छा वाला लगा देना, एक में आप सस्ता वाला लगा देना, यार दो में आप अच्छा वाला लगा देना और एक में सस्ता वाला लगा देना, सस्ता में जाता है 150 वाला आपको जो है 600 में दूंगा। नहीं अब 50 रुपए तो कम करा रहा हूँ, और क्या कम करा रहा हूँ, नॉर्मल चिपकता है ना गारंटी कोई नहीं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बढ़िया यूवी टेम्पर ग्लास जो आप लगवा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट खेल भी है। खेल ये है कि अभी रिसेंटली मैं वन प्लस के सर्विस सेंटर पे गया था एक्सपीरियंस सिस्टिंग ऑपरेशन करने, नॉर्ड C3 लाइट और 11R रिपेयर करने, वो आपको मैं दिखाता हूँ जैसे फ़ोन रिपेयर हो गया जाएगा। रास्ते में कुछ मोबाइल की शॉप्स पड़ रही थी, बहुत बड़ी श्रीराम टावर थी, तो मैं वहाँ घुस गया और मैंने कहा चलो कुछ रिसर्च परफॉर्म करते हैं कि आजकल कर्व डिस्प्ले के फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि 20,000 में भी आपको लावा ग्री 2 मिल जाता है। अलबत्ता वो बात अलग है कि स्क्रीन में जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही बेकार है, आप इवन प्लास्टिक से भी स्क्रैच लग जाता है। रियलमी ने तो धमाके मचा रखा है लास्ट सीरीज से 11 प्रो प्लस एंड दी बेस्ट सेलिंग मोटोरोला एज 40। तो मैं डेमो के लिए आपको 3 फ़ोन दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास भी यू नो कर्व डिस्प्ले का फ़ोन है तो ये सारा वीडियो आपके लिए भी डेफिनेटली एप्लीकेबल तो है ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के ग्लास अमेज़न से ऑर्डर किए, फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हैं, मैंने फास्टेस्ट शिपिंग का मंगाया। इंडिया में कोई ऐसे सुपर बिग ब्रांड नहीं है जैसे कि स्पीगन, राइनो शील्ड, वो सब यहाँ पे नहीं चलते हैं, आपको वो सब नहीं मिलेगा, बहुत दिन बाद आता है। तो फिलहाल जो बेस्ट अवेलेबल थे मैंने ऑर्डर कर लिए हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इन फ़ोन में लगवाना चाहते हैं तो आप किस फ़ोन का मंगा लें वो लग जाएगा, प्लस क्वालिटी टेस्टिंग भी करेंगे कि स्क्रैच में कितना डिफरेंस पड़ता है, और ऑफलाइन में गाइस बहुत झोल होता है, जैसे कि वहाँ पे आप जाएंगे ना तो सेम ग्लास को दो लेवल में बेचा जाता है, विदाउट अगर पैकेजिंग देंगे तो बोलेंगे कि ये सस्ता वाला है, यू नो 250 रुपये का है, बार्गेनिंग करा के आप 100 रुपये दिला सकते हैं, और अगर वो डब्बे के साथ देंगे तो वो आपको महंगा बेच सकते हैं। सारी चीज़ें बार्गेनिंग ऑफलाइन में होती हैं, जितना आप करा सकें वो आपका टैलेंट है, मेरा ऐसा टैलेंट है नहीं तो मैं ज़्यादा करा नहीं पाया, मुझे 150 का पड़ा, और जो दूसरा अच्छी क्वालिटी का था वो मुझे पड़ा 250-300 रुपये के आसपास, ठीक है। और ऑनलाइन वाला भी मैं लगा के दिखाता हूँ, तो पहले मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि जो मैंने ऑफलाइन में लगवाया वो कैसा लगवाया। ये मैंने अच्छा वाला लगवाया, ये मुझे पड़ा है 250 रुपये का, और फिनिशिंग तो गाइस क्या ज़बरदस्त लगाते हैं बाज़ार में, मैं तो इतना अच्छा नहीं लगा पाता, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली एकदम फिनिश है, एक भी एयर बबल नहीं है, एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं है, क्वालिटी बहुत ही सुपर निकल के आई है। सेम तरह की ग्लास, हमें सेम क्वालिटी का ग्लास मैंने दूसरे फ़ोन में भी लगवाया, और वो है मोटोरोला H40। इसकी भी कीमत मुझे पड़ी 250 रुपये, हो सकता है आपको ये 200 में भी पड़ सकती है, लेकिन मुझे 250 की पड़ी। सो ये भी एकदम सुपर परफेक्ट है, एच टू एच फिनिशिंग है। लेकिन अब खेल ये है कि मैंने सेम टेम्पर ग्लास, आई मीन सेम शॉप से ही सस्ती क्वालिटी के लगवाया, ये मुझे पड़ा 150 का, मैं 100 का चल रहा हूँ मान के, क्योंकि आप ज़्यादा बार्गेनिंग कराएंगे आपको 100 का भी मिल सकता है, और ये भी एकदम प्रॉपर फिनिश है। लेकिन यहाँ पे दुकान वाले ने थोड़ी सी चालाकी ये कर दी ना कि उसने लाइक थोड़ा सा छोटा लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि कह रहा था ना कि लाइक आप ज़्यादा पैसे देते ज़्यादा अच्छा लगा देते, तो उन्हें पता सब होता है, वो थोड़े ना शाने ज़्यादा होते हैं, लेकिन और एंगल से फिनिशिंग पूरी प्रॉपर है। अब चलिए छोटी सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, अच्छे महंगे वाले पे हम थोड़ा सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि स्क्रैच का पैटर्न क्या है, कैसा कैसा रिजल्ट है। बाय द वे अगर आपके पास लावाग्नि 2 का टेम्पर ग्लास लगवाना है तो आप कुछ मॉडल्स के लगवा सकते हैं, जैसे कि वीवो V27 प्रो का, V25 प्रो का, OnePlus 8 का, इन सभी के ग्लास लग जाते हैं। स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करने के बाद दोनों ही फ़ोन में मुझे रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिले, यानी कि जो 100 रुपये का है और जो बाज़ार में 300-400-500 बोला जाता है उसमें भी स्क्रैच में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो गाइस यूज़ करने में भी मुझे कोई ऐसा डिफरेंस लग नहीं रहा है, लाइक दोनों ही फ़ोन में जो सेंसिटिविटी आ रही ना ग्लास लगाने के बाद, जो टच की स्मूथनेस है वो दोनों फ़ोन में एग्जैक्टली बराबर आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा स्मूथ है या ये ज़्यादा स्मूथ है। सो पॉइंट आप समझ गए, अगर आप ऑफलाइन से आके ग्लास लगवाते हैं तो अगर ऐसा बोला जा रहा है ना कि लाइक हम बॉक्स में दे रहे हैं इसलिए महंगा है या सस्ता है, तो उस छलावे में मत जाइएगा, आप ये कहिएगा कि भैया सस्ता वाला आप लगा दो और वो काफ़ी। और इवन जो यूवी का जो पेस्ट लगाया जाता है ना उसमें भी वो लोग कहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का जेल लगा रहे हैं, पूरी क्वालिटी का जेल लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो डिब्बे पे मत जाइएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे कि ये OnePlus 8 का ग्लास है जो मैंने लगा रखा है इसमें लावाग्नि 2 में, और Realme 10 Pro Plus का हमने लगा रखा है Realme 11 Pro Plus पे, राइट। अब गाइस चलिए ऑनलाइन से जो हमने मंगाया है इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको लगा के देखते हैं क्या बहुत डिफरेंस मिलता है, क्योंकि सेम चीज़ वहाँ भी मिलती है और सेम चीज़ बाहर भी मिलती है। गाइस ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए मैं इसे आउट होना चाहता हूँ,
लगाने का तरीका मुझे सीरियसली एकदम नहीं आता है टेम्पर ग्लास, स्पेशली यूवी वाला। स्क्रीन प्रोटेक्टर मैं बहुत लगा लेता हूँ लेकिन ये मेरे से लगता नहीं है। बहुत ही वाहियत तरह की फिनिशिंग मैंने की है। सो पॉइंट ये है ना कि आप बाज़ार से लगवा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसमें हम छोटी सी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं कि इसका स्क्रैच का पैटर्न कैसा निकल के आ रहा है। वैसे ही निकल के आ रहा है जैसे कि जो हमने बाज़ार से लगवाया, या थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का। मुझे तो ये एक्चुअली ज़्यादा सस्ता फील हो रहा है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अनटिल अनलेस आपको बहुत ही प्रो तरीके से लगाना ना आता हो, तो आप शांति से चुपके से बाज़ार चले जाइए। 150 रुपये में, 100 रुपये में यूवी ग्लास मिल जाते हैं, वो आप आराम से लगवा लीजिए। जो मैंने ऑनलाइन बाय किया है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इवेंचुअली मुझे जो ऑनलाइन वाला मिला है ना, वो क्वालिटी में उतना बढ़िया लगा नहीं। यहाँ पे जैसे धुंधला जाता है, स्क्रैचेस तो उतने ही उसी पैटर्न पे लग रहे हैं, लेकिन ये कि ये गंदा टाइप ज़्यादा फील हो रहा है। आई मीन व्हाटएवर जो भी है, जो मैंने बाजार से लगवाया है वो मुझे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का लग रहा है। तो आप बाहर जाके लगवा सकते हैं। फॉर दी अदर यूजेस गाइस जो टेम्पर ग्लास नहीं लगाते हैं जैसे कि मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन में कुछ ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स लगा लेता हूँ जिससे फ़ोन में एक नियरली इनविजिबल एक्सपीरियंस मिलता है। फ्रॉम दी गैजेट सेल्स, नथिंग इज स्पॉन्सर्ड। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि वन प्लस 11R में अभी लगा हुआ है, तो ये एकदम कम्प्लीटली इनविजिबल है। लेकिन यस, ये तभी रिकमेंडेड है जब आप फ़ोन में केस लगाते हो। अदरवाइज़ अगर आप केस नहीं लगाएंगे तो ये आपके स्क्रीन को ड्रॉप से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, लेकिन स्क्रैच से प्रोटेक्शन दे सकता है। अगेन ऑन दिस समरी, अगर आप लावा अग्नि 2 का लगाना चाहते हैं तो आप वीवो का लगा सकते हैं। V27 Pro, V25 Pro, OnePlus 8 Pro, इन सब के आपस में लग जाते हैं, नियरली सेम डिस्प्ले साइज हैं। मोटो का लास्ट ईयर का H30 Fusion, वो सब लगा सकते हैं। रियल मी का है तो आप 10 Pro Plus लगा सकते हैं, इस पर भी OnePlus 8 सबका लग जाता है। सो दैट्स इट गाइज विथ दिस टुडेज लिटिल एक्सपेरिमेंट। 100 रुपये में आप अच्छा खासा यूवी ग्लास पा सकते हैं और बाहर जाके खेल खेल सकते हैं। वैसे ये देख सकते हो रियलमी में काफ़ी ज़्यादा वो डर्ट लग गया है यहाँ पे। ये जो ग्लू है ये थोड़ा सा आगे आ गया है और ये पैनल भी गंदा हो गया। मैं जा रहा हूँ साफ़ करने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। किधर से खुलता है ये दुकान? खोल लेते हैं टेम्पर ग्लास लगाने। देखो बबल आ गया इसमें, एक्सपर्ट जी। बबल कैसे निकाले यार, वो सारे कैसे लगाते हैं उनका, एक बार में लग जाता है पूरा। अब तो ये बेकार ही हो गया, अब इतने सारे बबल भर गए इसमें। पूरा जम गया यार थोड़ा एकदम। टेम्पर ग्लास मिल जाएगा क्या मोटो H40 का? इसमें कौन सा लगेगा H40 में, चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्रैक है, सिलिकॉन में है ना, उसी तो लगवा रहे हैं कि लगेगा ही नहीं। यूवी वाला टेम्पर लगेगा? हाँ यूवी ही लगवाना है। अरे कोई टेंशन नहीं, ये इसका रियल मी 10 Pro का 11 Pro का।